माय नेम इज श्वेता शर्मा. सर, जिस स्टेप की आप बात कर रहे थे कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसी में आपको काम करना चाहिए, मैंने सेम बिल्कुल वैसा ही किया. अपनी जो करंट फील्ड थी उसको छोड़ के मैंने स्विच किया और दूसरी जगह पे मैंने जॉब लिया और उस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया जिसमें एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था. बट अब जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं जब भी किसी इंटरव्यू में जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा रिज्यूमे देख के उनका एक क्वेश्चन होता है कि श्वेता, क्या आप एम्बिशियस नहीं थे? आपने ये हमें दो स्टेप्स आपके रिज्यूम में नज़र आ रहे हैं, एक फील्ड बिल्कुल अलग है और दूसरी फील्ड जिसमें आप अभी हो वो बिल्कुल अलग है. और मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कि मैं क्या आंसर दूँ इस चीज़ का. सो प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस. जो आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन करते हैं और ऐसे जलील करते हैं वो इस पॉल्यूटेड पुरानी बदमाशी के बींग हैं. सो सर, मैं उन्हें कैसे फेस करूँ? डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई देम. आपको आंसर नहीं आता ना उसके बारे में, मुझे भी नहीं आता. लेट देम उबलो इन देयर ओन गेम. उनको अपनी इस नोशन वाली कैपिटलिस्टिक रेस में जिसमें रेज्यूमी आप ये नहीं थे वो नहीं थे कहने का मजा आता है ना. अभी थ्री इडियट्स में ही वो इंटरव्यू करने जाता है ना, जो तो बोलता है ठीक है फिर मेरे को आपके ऐसे यहाँ पर काम नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, पर मैं अपनी ऑनेस्टी से नहीं हटने वाला, मैं मिसबिहेव नहीं करूँगा, मैं चीटिंग नहीं करूँगा, है ना. तो नहीं मिलती ना सही. अक्रॉस द टेबल कौन बैठा है हमें उसे क्या लेना है. आर यू एंजॉइंग व्हाटसो एवर यू आर डूइंग? यस. तो इंटरव्यू मत देने जाओ ना. बट स्टिल सर, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काफ़ी काम कर लिया ना, वो अगर मैं स्विच ऑन करना चाहती हूँ और मैं फेस कर रही हूँ इंटरव्यूज. आप अपने पैशन को एंजॉय करना चाहते हैं कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को कर लिया और जंपिंग मंकी बनना चाहते हैं? सर, पैशन विल बी सेम, पैशन विल बी सेम, बट यस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एनकैश होता है वह करो ना. अगर तेंदुलकर बोला मैंने क्रिकेट बहुत खेल लिया, पैशन ही सेम, मैं इसी पैशन से सॉकर खेलूंगा तो वहां तो गोल करवा देगा भाई, और जो भी पुश करेगा गिर जाएगा और भाग नहीं सकेगा इतना क्योंकि सॉकर में बहुत भागना पड़ता है. पैशन मीन्स आई एम कंटेंटेड. पैशन डज नॉट मीन जंपिंग मंकी, राइट? पैशन ना एक वर्ड का होता है, राइट? किसी का पैशन है मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं, चाहती हूं, राइट? बस मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूं. अब अपनी प्रोफेसरी टीचरी पूरी बच्चों के ऊपर लगा दो. अगर लगाई चंगेज खानी वाली, हिटलर वाली, तो पूरी प्रोफेसरी नहीं हो पाएगी, है ना. अल्टीमेटली हर पैशन के पीछे लव जरूरी है. तेंदुलकर हो या कोई भी प्लेयर हो, अगर वो लव के बदले दांत पीस के बॉलिंग करता है और गाली निकाल देता है तो क्या उस मतलब उसके ओवर्स में विकेट मिल भी जाए तो हम क्या मान लें इस पर्सनैलिटी को, क्योंकि उसमें गुस्सा होता ही नहीं है. जो भी हम पैशन से करते हैं वो इटसेल्फ इज कामयाबी, बिकॉज इट हैज टू अचीव नथिंग, इट हैज टू प्ले इट, वन हैज टू प्ले इट, प्लेइंग इज द गेम. नॉट कि आप एक जगह बोर हो गए या एक ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम कर लिया आप कहीं और जाना है. आप जाओ, जी सत के जाओ, लेकिन अगर वो आपकी डिग्निटी को ही चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी सेल्फ एस्टीम को ही वो लगाने लगे हैं, राइट? आपकी नाक के ऊपर हाथ लगा रहे हैं ना, तो आप बोल दो व्हेन इट कम्स टू माय नोज देन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी भाई साहब, है ना. यही है ना सेइंग, यू नो दैट सेइंग, प्लीज से फुल्ली. थैंक यू सो मच सर, आई गॉट इट. अच्छा जी, थैंक यू.